इफेक्ट। इसे कहते हैं सोशल मीडिया का नेगेटिव इफेक्ट। यहाँ पर आवश्यक जानकारियों के अलावा अफवाहें भी बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। अफवाहों की भी हद हो जाती है। किसी के भी बारे में कुछ भी उड़ा देना सही तो नहीं है। अब शाहरुख खान से संबंधित एक अफवाह उड़ रही है जिसे आप सुनकर एकदम गुस्से में आ जाएंगे। अब इंटरनेट पर ये अफवाह वायरल हो रही है कि शाहरुख खान की पेरिस में एक प्लेन क्रैश के दौरान मौत हो गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये खबर उड़ाई है फ्रांस की ही एक वेबसाइट ने। वायरल हो रहा है कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना के जन्मदिन के बाद एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। इस फेक खबर में कहा गया है कि शाहरुख खान गल्फ स्ट्रीम G550 जेट में अपने पर्सनल असिस्टेंट और कुछ लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, इसे पूरा सोशल मीडिया काफी शॉक्ड रह गया था। आपको बता दूं कि शाहरुख खान इन दिनों आनंद एल राय की अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। हालांकि खबर ये आई थी कि इस फिल्म के दौरान सेट पर एक छोटा सा हादसा हुआ जिसमें शाहरुख खान को कोई चोट नहीं पहुंची। सेट पर छत का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। शाहरुख खान खुद सेट पर मौजूद थे। सिर्फ दो लोग घायल हुए हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और अब वो खतरे से भी बाहर हैं। खैर, फैलाने वाले कुछ भी फैला देते हैं और ये सब वायरल हो जाता है। आप इन खबरों को सुनकर बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। शाहरुख खान एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।